राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग का श्लोक 9 देखेंगे। इस वीडियो के अंदर आप इस श्लोक का उच्चारण बहुत ही हम सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। आप इस तरह गीता जी के 12, 15, 16, 17 और 13, 11, 13 और 11 के अभी तक 1 से 8 तक के श्लोक का भी उच्चारण बड़ी सरलता से सीख सकते हैं। देखिए, गीता जी बहुत विलक्षण ग्रंथ है और इसको जितनी शुद्धता के साथ किया जाए उतने ही भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए अवश्य ही हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद भी गीता जी का शुद्ध उच्चारण सीखें और जो भी इच्छुक हैं आप उनको भी ये वीडियो सजेस्ट करें जिससे कि वे भी शुद्ध उच्चारण सीख पाएं। चलिए आज का श्लोक शुरू करते हैं। आज का श्लोक बोलेंगे संजय। संजय तो इस चीज को देखते हैं कैसे। स पूरा है, ये है अनंग, जिसे हम अनंग बोलते हैं, अनंग, ठीक है। च वाला लाइन हम पढ़ते हैं, च छ ज झ और फिर ये वाला अण आता है। संस्कृत में वर्णमाला हलंत में चलती है इसलिए इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। जब भी इसके बाद में च छ ज झ होगा ये वाला, देखिए यहाँ पर ज है इसलिए ये वाला अनंग काम आया है। अब ये काम करता क्या है, आप इधर राइट साइड में देखें, स और फिर अनंग लगा हुआ है तो ये इसके पिछले वाले अक्षर पर एक बिंदी लगा देगा, लगा दी। इसे कहते हैं अनुनासिक, नासिका से यानी नाक से आधे न का उच्चारण, तो इसको बोलेंगे स और फिर आधा न। सन ज पूरा, ज में अमिक्स करेंगे, य में अमिक्स करेंगे, जो भी अक्षर पूरा होता है उसमें आपको अ का उच्चारण मिक्स करना होता है। संजय, संजय, उ मात्रा छोटी है लंबा नहीं खींचेंगे, उआ च, च पूरा है, च में अमिक्स किया है, संजय उआ च। अब हम पहला चरण देखते हैं, ए व, व पूरा है, ए व, व पूरा है ना, अक्षर आधा तब होता है जब उसके नीचे हलंत होता है, जब पूरा होता है तो आपको उसमें अमिक्स करना है और जब आधा अक्षर है तो उसको पूरे के साथ बोलना है। एव, मु मात्रा छोटी, क के नीचे हलंत यानी क आधा है, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा मुख। आधा त और वा, त्वा त्वा, मुक्त्वा मुक्त्वा, एव मुक्त्वा। त अब पूरा है, त में अमिक्स करेंगे, त तो त तो। रा ज पूरा और न के नीचे हलंत यानी आधा अक्षर है, आधे को पूरे के साथ किया जन, राजन। पहला चरण वापस, इव मुक्त्वा ततो राजन, वापस इव मुक्त्वा ततो राजन। अब दूसरा चरण, म पूरा है, महा महा पूरा है ना तो अमिक्स किया है, महा ह पूरा है, हमें जब भी मुड़ाव होगा तो वो पूरा है, महा यो गे और फिर श के नीचे वापस हलंत यानी आधा अक्षर आधे को पूरे के साथ पढ़ा योगेश। व पूरा, व में अमिक्स किया, व देखिए अमिक्स करने का मतलब आप खुद देखेंगे, एक तो हम बोलते हैं व, एक हम बोलते हैं व रो, व रो। ह पूरा, री मात्रा छोटी इसको बोले हरी, इसे बोलते हैं विसर्ग, ई की मात्रा छोटी है तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही, हरी ही हरी ही। दूसरा चरण वापस, महा योगेश वरो हरी ही हरी ही। पहला और दूसरा चरण साथ में, संजय उवाच इव मुक्त्वा ततो राजन महा योगेश
वरो हरी ही हरी ही। तीसरा चरण द। अब ये चीज क्या है, इसको राइट साइड में देखें आप बोर्ड पर, श ऊपर मात्रा र की लगी हुई होती है, तो ये जो ऊपर मात्रा है इसको पहले पढ़ा जाएगा, ये है आधा र, र के नीचे हलंत और नीचे है श, आधा र और श। अब क्या है द, ये दिख रहे हैं आपको, फिर है आधा र, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा दर, श पूरा दर्श या दर्शया दर्शया, मा स पूरा, स मी अमिक्स किया मास, दर्शया मास। पा, वापस यहां पर इस चीज को देखेंगे राइट साइड में, ऊपर मात्रा है वो है र के नीचे हलंत यानी आधा र, और था आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा पार, पार थाय, य पूरा है य में अमिक्स किया पार्थाय पार्थाय। तीसरा चरण वापस, दर्शया मास पार्थाय, एक बार वापस, दर्शया मास पार्थाय। अब चौथा चरण, प पूरा र पूरा, पर पर म पर म, म के ऊपर है ये अनुस्वार, पूरा शब्द होने के बाद लास्ट वाले अक्षर पर है तो इसको पढ़ेंगे आधा म, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ना है तो इसको बोलेंगे मम, परमम परमम। रू, देखिए इधर राइट साइड में, इसका मतलब है कि र पूरा है और र पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है तो इसको बोलेंगे रू, रू बड़ी मात्रा, प पूरा रूप रूप। मात्रा बड़ी आपको दिखाने का रीजन ये था कि जब भी मात्रा बड़ी होती है तो आपको उसको थोड़ा सा अधिक समय देना उच्चारण में, रूप। म और म पर है ऐ की मात्रा तो उसको बोलेंगे मई, आधा श, श के नीचे हलन, मई श मईश, ये हमने 11वें अध्याय के श्लोक 8 में भी देखा था, मईश म ई की मात्रा ये ऐ की, मई श मईश। व पूरा व, फिर र पूरा और आधा म, तो आधे को पूरे के साथ पड़ा रम, वरम वरम। चौथा चरण वापस, परमम रूप महेश्वरम। अब हम तीसरा और चौथा चरण साथ में पढ़ेंगे, दर्शया मास पार्थाय परमम रूपमहेश्वरम। अब पूरे श्लोक का उच्चारण पहले चरण से चौथे चरण एक साथ करेंगे, आप सभी गीता जी लेकर साथ बैठे और जैसे जैसे अंडरलाइन आपको दिखा रखिए वैसे अपनी गीता जी में करें और अभी साथ साथ उच्चारण करें। संजय उवाच, एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश वरो हरिः, दर्शया मास पार्थाय परमम रूपमहेश्वरम। एक बार वापस, संजय उवाच, एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश वरो हरि हरिः, दर्शय मास पार्थाय परमम रूप महेश्वरम। नारायण नारायण।